गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वो भी रसायन विज्ञान में उपसहसंयोजक यौगिक। ये न केवल क्लास ट्वेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में चाहे वो नीट की हो चाहे जेई मेंस की हो या फिर अदर कॉम्पिटिशंस इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आज अपने इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही सरल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करें। हेडिंग डाल लीजिएगा उपसहसंयोजक यौगिक, इनको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि उपसहसंयोजक यौगिकों को हम लोग किस तरीके से परिभाषित करें, क्योंकि हम लोगों को अगर उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा पता है फिर हम लोग उसको समझ जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे सामने जो यौगिक है क्या वो उपसहसंयोजक यौगिक है अथवा नहीं। परिभाषा आप देखिएगा, परिभाषा क्या है, डिफिनेशन है कि उपसहसंयोजक यौगिक, ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को समझना, उपसहसंयोजक यौगिक बे आणविक अथवा योगात्मक यौगिक है। अब एक बात क्लियर हो गई कि उपसहसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं, तो या तो वो आणविक होंगे या फिर वो योगात्मक होंगे। क्लियर बात, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, अभी केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, एक नया पॉइंट क्लियर हो गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है हम लोग आगे जानेंगे। उपसहसंयोजक यौगिक वे आणविक अथवा योगात्मक यौगिक हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, चाहे परमाणु हो सकता है चाहे आयन हो सकता है, स्थायी रूप से कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़ा रहता है और इन परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये परिभाषा है। उपसहसंयोजक यौगिक आणविक या फिर योगात्मक कंपाउंड है जिसमें दो चीजें बच्चों होती है, एक चीज केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरी चीज बच्चों आपने भी नोटिस किया कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं के समूह। तो दो चीजें आपको इसमें जुड़ी हुई मिलेंगी, एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और दूसरा कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्लियर हुई बात, अर्थात ऐसा यौगिक जिसमें लिगेंड और सीएमआई का मतलब क्या, सुनिए, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु आप देख रहे हैं केंद्रीय को क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोलते हैं, केंद्रीय धातु को मेटल बोलते हैं, परमाणु है तो एटम होगा, आयन है तो आयन लिखेंगे, अर्थात शॉर्ट में CMA बोले या फिर CMI बोले। बात समझ में आ गई, परमाणु होगा तो CMA सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे, आयन है तो CMI यानी केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। तो ऐसा यौगिक जिसमें CMI
यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और साथ ही साथ लिगेंड उपस्थित है, तो ऐसे यौगिक आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाती है। आई होप अब आप सभी लोग एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी हमारे पास अगर ऑक्सीजन से यौगिक है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक CMI और दूसरा लिगेंड। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है। एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सभी लोगों को फार्मूला पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं आपके लिए बताता हूं। इसका फार्मूला K4FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6। हम जब इसका वियोजन करते हैं, जब आप इसका वियोजन करेंगे तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा देखिए, ये 4K पॉजिटिव अलग हो जाता है और इसके बाद ये पूरा हिस्सा FeCN का होल 6 ऊपर 4 नेगेटिव, ये हिस्सा अलग हो जाता है। इधर का हिस्सा 4K पॉजिटिव अलग, FeCN का होल 6 ऊपर 4 नेगेटिव अलग। इस प्रकार का जो आप आयन देख रहे हैं, इस प्रकार के आयन को हम लोग संकुल आयन भी कहते हैं। इस प्रकार के आयन को हम लोग संकुल आयन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार के आयन में दो या दो से अधिक आयन आपस में संयुक्त रहते हैं, संकुलित रहते हैं, आपस में चिपके रहते हैं और एक संकुल का निर्माण कर लेते, घेरे का निर्माण कर लेते। इसीलिए ऐसे आयन को हम लोग संकुल आयन कहते हैं। आयन तो यह भी है लेकिन यह संकुल आयन नहीं है, क्योंकि तो इसमें अकेला एक ही हमारे पास में एलिमेंट है और यहां पर देखिए कई आयन आपस में उलझे हुए हैं, तो ऐसे आयन को संकुल आयन कहते हैं। और जिन यौगिकों में ये संकुल आयन उपस्थित होते हैं ऐसे यौगिकों को संकुल यौगिक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो आपने अभी देखा ये संकुल यौगिक भी है। ये क्या है? ये उपसह संयोजक यौगिक होने के साथ साथ ये संकुल यौगिक भी है। क्लियर होगी बात? अब ये टूटा के पॉजिटिव और संकुल आयन अलग में। अब मैं जो ये डिफिनेशन मैंने बोली थी अभी इसकी कि ऐसा यौगिक जिसमें CMI होगा और लिगेंड होगा, मैं अभी बताता हूं इसके एग्जांपल से। मैंने इसको तोड़ दिया, संकुल आयन बना। संकुल आयन में देखिए हमारे पास में आयरन है, FeIn, और इस आयन को घेर रखा है। किसने घेर रखा है? CN ने घेर रखा है। इसको CN ने घेर रखा है। यही परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ऐसा यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो अकेला है, जो बीच में है, वो केंद्रीय धातु परमाणु और केंद्रीय धातु परमाणु को घेरे रखता है। कौन घेरे रखता है? कुछ निश्चित परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो Fe है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको घेर रखा है CN ने, CN आयनों ने, साइनाइड आयनों ने घेर रखा है। तो ऐसा यौगिक आपका उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। क्लियर होगी बात? चलिए मैं आगे बात करता हूं। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें उपसह संयोजक यौगिकों के इतिहास की कि ऐसे कंपाउंड्स की खोज किसने करी थी, तो नाम आता है वैज्ञानिक अल्फर्ड बर्नर का।
अल्फर्ड बर्नर ने ही 1892 में ऐसे यौगिकों के बारे में बताया था और ऐसे यौगिकों को अर्थात उपसह संयोजक यौगिकों को बर्नर के नाम पर बर्नर संकर भी बोला जाता। क्लियर होगी बात? शुरुआत किसने करी? अल्फर्ड बर्नर ने करी। कब करी? 1892 में। और इनके नाम पर ही इन यौगिकों को बर्नर संकर बोला जाता है। क्लियर हो गई? एक पॉइंट और बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछता है कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो जनक है बच्चों वो अल्फ्रेड बर्नर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तब आपको जनक के रूप में अल्फ्रेड बर्नर बोलना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी जनक अल्फ्रेड बर्नर। आई होप आप सभी लोगों को इस लेक्चर में मेरे द्वारा बताए जाने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिटेल समझ में आ गई होगी, आप पहचान सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या हुई हो तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसकी समस्या को दूर करूंगा और एक नए वीडियो डाउटफुल सारी क्लियर करके, जितनी भी डाउटफुल पॉइंट्स है सब क्लियर करके एक बेहतरीन नॉलेज आपके लिए फिर प्रोवाइड कराऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही, मैं इसके आगे की जानकारी अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।